बचपन से हम नए नए विचित्र चीजें देखते आ रहे हैं, जिन्हें हम विचित्र चीजें समझते हैं वह मनुष्य की ही खोजें हैं। समय के साथ साथ मनुष्य ने बहुत ही तरक्की की है और लगातार तरक्की करता जा रहा है। दोस्तों, हम सबका बचपन बहुत ही रंगीन मिजाज का रहा है। बचपन में आपने आसमान में किसी चीज को उड़ते देखा होगा, एरोप्लेन को या चिड़िया को। जी हाँ, एरोप्लेन को। दोस्तों, आज हम उसी एरोप्लेन के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर क्यों हम एरोप्लेन को आउटर स्पेस नहीं भेज सकते? क्या आप इसकी वजह जानते हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप इस वीडियो रिपोर्ट की शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल का मकसद सबसे यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले। हर क्षेत्र के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, घंटा दबाएं। दोस्तों, आज का हमारा सवाल यह है कि क्या हम एरोप्लेन को आउटर स्पेस, जिसे हम थर्मो स्पेस कहते हैं, उसमें प्रवेश करा सकते हैं? अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। सामान्यतः कमर्शियल एरोप्लेन 45,000 मीटर यानी कि 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। अगर बात करें कॉरपोरेट जेट्स की तो वो करीब 51,000 मीटर तक की ऊंचाई तक नाप सकते हैं। क्या आप इसकी वजह जानते हैं? दोस्तों, इस तरह के एरोप्लेन्स के इंजन को फ्यूल बर्न करने के लिए वातावरण में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो कि पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ते बढ़ते कम होने लगती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आउटर स्पेस में जाने के लिए हमें एक आदर्श लाइन क्रॉस करनी होती है, जिसे हम कर्मन लाइन के नाम से जानते हैं। आसान भाषा में वह लाइन जो पृथ्वी के वातावरण और आउटर स्पेस को विभाजित करती है, उसे कर्मन लाइन कहते हैं, जो कि समुद्री तट से 100 किलोमीटर यानी 3,28,084 फीट है। ये ऊंचाई पार करने के बाद हम आउटर स्पेस में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, अब तक तो आपको जवाब मिल गया होगा कि बिना ऑक्सीजन के हमारा प्लेन इतनी ऊंचाई तक तो जा नहीं सकता है। दोस्तों, बात की जाए सामान्य प्लेन्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो वह बनाया है फेमस अलेक्जेंडर फेरेडो। उन्होंने 31 अगस्त 1977 में वह MiG-25 को लेकर समुद्री तट से 37,650 मीटर की ऊंचाई हासिल की। ये कर्मन लाइन का एक तिहाई भी नहीं। इतनी ऊंचाई पार करने के लिए एक खास प्लेन्स की जरूरत होती है, जिसके अंदर फ्यूल टैंक के साथ साथ ऑक्सीजन टैंक भी होना चाहिए और उसमें पृथ्वी की अर्थ एस्केप वेलोसिटी को पार करने की क्षमता होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी या वह मिनिमम स्पीड जिसके जरिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार किया जा सके। पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी करीबन 11.2 km पर सेकंड है। अगर किसी प्लेन्स को आउटर स्पेस में जाना है तो उसे यह स्पीड हासिल करनी होगी। और एक खास बात, वहां जाने के लिए पायलट को एक खास ऑक्सीजन फीडेड सूट चाहिए होता है। अगर बात की जाए ऐसे प्लेन्स जो इस तरह की बनावट के बने होते हैं, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा जाए तो नाम जोसेफ अल्बर्ट वाल्कर है, जिन्होंने 3 उड़ानें भरी, उनमें से 2 बार वह कर्मन लाइन के पार गए। पहली उड़ान 19 जुलाई 1963 को X-15-90 नामक प्लेन के साथ उन्होंने 106 किलोमीटर की ऊंचाई को हासिल की और दूसरी बार 22 अगस्त 1963 को X-15-91 के जरिए 108 किलोमीटर की ऊंचाई को हासिल किया। मगर दोस्तों, अनुमान है भविष्य में ऐसे प्लेन्स भी बनाए जा सकते हैं जिसके जरिए हम स्पेस उड़ान भर सकते हैं और हम अंतरिक्ष में उड़ान का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, और X-15 के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।